दोस्तों आज का नुस्खा बहुत ही कारगर होने वाली है। दोस्तों यदि आप इस नुस्खे को सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चेहरा काफ़ी ज़्यादा क्लीन एवं खूबसूरत हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरह से आपको नुस्खा बनाना है, वो भी घरेलू उपाय से, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप इस नुस्खे को रेगुलर दिन में एक बार यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोस्तों आपको हल्दी ले लेना है। हल्दी कच्चा वाला आपको लेना है, इसका आपको रस निकाल लेना है। जिस तरह से मैं दोस्तों देख सकते हैं, मैं पहले से निकाल करके रखा हुआ हूँ, देख सकते हैं, इस तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक चम्मच इसमें से हल्दी का रस लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक चम्मच जब हम ये ले चुके हैं तो इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में गुलाब जल होगा ही, आपको क्या करना है, ये गुलाब जल लेना है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि गुलाब जल हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा मुलायम एवं सॉफ्ट बनाती है, तो उसके लिए हम हल्का सा गुलाब जल ले लिए। गुलाब जल लेने के बाद आपको मार्केट से ये लेना है जिसका नाम है एवियन 400 कैप्सूल, जो जो कि बहुत ही बेस्ट होता है हमारे स्किन को क्लीन एवं खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक कैप्सूल ले लेंगे, इस तरह का कैप्सूल आता है, ये हम एक ठो ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं कि हमने इसमें ये कैप्सूल को ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा तो आपका नुस्खा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको इस तरह का नुस्खा जो बन जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस नुस्खे को आपको नाइट में यूज करना है। खाना वाना खाने के बाद जब आप सोने के लिए जाएंगे तब इस नुस्खे का आप यूज़ करेंगे और आधा घंटा तक इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। स्किन पे जैसे ही आप लगाएंगे उसके बाद आपको आधा घंटा छोड़ देना है सूखने के लिए। जैसे कि इस तरह से हम आपको स्किन पे से लगाना है, लगाने के बाद इसको क्या करना है, आधा घंटा के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जब ये सूख जाए, सूखने के बाद इसको क्या करना है, एक मुलायम सा सूती कपड़ा से इसको अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद आपको क्या है, नॉर्मल पानी से इसको फिर अच्छे से धो लेना है। ठीक है, धोने के बाद क्या होगा कि आपका स्किन सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि आप कोई नाइट क्रीम का यूज़ करते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप नाइट क्रीम का नहीं भी यूज़ करेंगे फिर भी आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एवं मुलायम और खूबसूरत बन जाएगी। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कारगर है, तो इसका आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए।